डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपकिरण के माप की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी तक अपन ने सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं। हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द एक्चुअल क्लास ग्रुप्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें डी एक्स डैश बता रखा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और फ्रीक्वेंसी है हमारी 10, 15, 25, 25, 10, 10, 5, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 100। और हमें क्वेश्चन में गिवन है अर्थमेटिक मीन 31 और स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 15.9। और हमें इसकी सहायता से पूरी प्रॉब्लम तैयार करनी है और हमें ये बताना है कि क्वेश्चन में कितना क्लास इंटरवल था और ग्रुप्स हमारे कौन कौन से थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन की सहायता से हम क्लास इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आई अपॉन एन एन सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डैश मल्टीप्लाई सॉरी माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होगा और इससे हम क्लास इंटरवल निकालेंगे। डी एक्स डैश हमें गिवन है -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। फ्रीक्वेंसी है हमारी 10, 15, 25, दोबारा से 25 दे रखा है, 10, 10 और 5। पहले हम निकालेंगे एफ डी एक्स डैश। एफ डी एक्स डैश निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई डी एक्स माइनस का 30 -25, 0, 10, 20 और 15। टोटल कर लेंगे हम इसका, और ये हमारा टोटल आ जाएगा आपका इसमें -40। इसके बाद हम निकालेंगे एफ डी स्क्वायर एक्स डैश। एफ डी स्क्वायर एक्स डैश निकालने के लिए एफ डी एक्स डैश को मल्टीप्लाई कर दीजिए डी एक्स से, 90, 60, 25, 0, 10, 40 और 45। टोटल हो जाएगा हमारा 270। फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे हम। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 15.9 इक्वल्स टू आई हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे 100 मल्टीप्लाई सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डैश आएगा आपका 270 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश था अपना माइनस का 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका 1590 आई 1590 अंडर रूट में वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 159.37 और 1590 डिवाइडेड बाय 159.37 इज इक्वल टू आई और आई बराबर 10 अप्रोक्स आ रहा है, तो हम राउंड में फिगर को करके 10 मान सकते हैं। अब हम अज्यूम मीन भी निकालेंगे कि हमारा अज्यूम मीन कितना है। अज्यूम मीन निकालने के लिए हम चलेंगे अपने अर्थमेटिक मीन से। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आई। एक्स बार हमें गिवन है 31, ए हमें नहीं दे रखा, सिग्मा एफ डी एक्स डैश था हमारा माइनस का 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 31, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा ए, और ए बराबर हो गया हमारा 35। हमें अज्यूम मीन भी निकल गया और क्लास इंटरवल भी निकल चुका है, तो अब अपन इससे टेबल बना लेंगे हम अपनी। डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 ए हमने माना था 35,
जीरो होता है वो हमारा अज्यूम मीन होता है, ये हमने लिख दिया 35। अब इसी में से ही माइनस में करते जाएंगे अपन, तो अपना आ जाएगा 25, 15 और 10, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 10, 15 और 25। लेकिन ये 10, 15 और 25 नहीं आएगा, बल्कि इन सभी में हमें 35 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से लिखेंगे 45, 55 और 65। इसी के साथ ये तो हुई हमारी मिड वैल्यू, और आप ये भी कर सकते हैं, हम पहले इसमें क्लास इंटरवल से जो हमने भाग दे रखा है, तो आप पहले डी एक्स भी निकाल सकते हो, और इजी करने के लिए तो हमारा होता है माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, 10, 20 और 30। तो इससे ये हुआ 35, 35 में मैंने 10 ऐड करा 45, 35 में 20 ऐड करने से 55, और 30 ऐड कर दिया तो 65 हो। यहाँ पे हमने 35 में से माइनस करते चले गए, माइनस 10, माइनस 20 और माइनस 30। और यदि हमें ग्रुप्स बनाना कहा जाए, तो ग्रुप होगा आपका, पहला जो ग्रुप बनेगा हमारा वो बनेगा 0 से 10 का, ये 5 आएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये मैं गलती से 10 लिख गई थी, एक्चुअली यहाँ पे 5 ही आएगा। और ये तो थी हमारी एक प्रॉब्लम। एक और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसमें हमें ये कहा गया है माध्य प्रमाप पिछले तथा प्रसरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रत्येक मद में 6 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक मद को 6 से गुणा कर दिया जाए। इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रखी, हमें एक अज्यूम प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, और उसके अंदर पहले हम उस अज्यूम प्रॉब्लम से अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके पश्चात हम एक बार जो हमने अज्यूम नंबर्स माने थे उसमें 6 को जोड़ेंगे और दूसरी बार 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे देखेंगे कि आंसर में हमारा क्या फर्क पड़ता है। हम 5 वैल्यूज को अज्यूम कर लेते हैं, हमें x बता रखा है 5, 10, 15, 20 और 25। ये हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, और इस प्रॉब्लम से हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x है हमारा 75 डिवाइडेड बाय 5, और हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया 15। अब अर्थमेटिक मीन से हम डेविएशंस ले लेते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करते हैं, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डी। 5 में से 15 गया तो हमारा बचा 10, माइनस का 5, प्लस का 5 और प्लस का 10, और टोटल हो गया 0। डी स्क्वायर निकालने के लिए डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए डी से, 100, 25, 0, 25 और 100, और ये हो गया हमारा 250। अब हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर 250 बटा 5 एन, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, और 250 डिवाइडेड बाय 5 करके आप अंडर रूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.07। इसके बाद हमें निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा डी स्क्वायर है 250 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 50। ये एक अज्यूम नंबर से हो गया। अब हम एक बार सारी वैल्यूज में 6 को ऐड कर देते हैं। यदि हम 6 को ऐड करते हैं तो हमारा x हो जाएगा 5 में, यदि आप 6 और ऐड कर देंगे तो 11, 16, 21, 26 और 31।
ये हमने वैल्यूज को ऐड कर दिया, अब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपका होगा 105। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स है मेरा 105 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो गया मेरा 21। अब हम इससे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डी, 11 में से 21 माइनस का 10 माइनस का 5 0, प्लस का 5 और प्लस का 10 टोटल होगा 0, क्योंकि यदि हम अर्थमेटिक में से कभी भी डेविशंस लेते हैं तो वो हमेशा 0 ही आता है। डी स्क्वायर डी मल्टीप्लाई डी, सो 25 0 25 और 100 और टोटल वही हो जाएगा हमारा 250। स्टैंडर्ड डेविशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, 250 डिवाइडेड बाय 5 और 7.07 और वेरियंस होगा हमारा 250 बटा 5 50। अब हम 6 से सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो हमने सभी संख्याओं में 6 को ऐड किया था, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे क्या हो जाए तो 30, फिर 6 60, 15 6 90, 120 और 150। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 450 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो गया अपना 90। डेविएशंस लेंगे, x माइनस x बार इज इक्वल टू t, माइनस का 60 माइनस 30 0, प्लस का 30 और प्लस का 60। t स्क्वायर d मल्टीप्लाई d, 3600 900 0, 3600 टोटल हो गया हमारा 9000। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 9000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 42.42 और वेरिएंस 9000 डिवाइडेड बाय 5 9000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका आएगा 5 1800 आएगा। अब आप देखिए इस प्रॉब्लम के अंतर्गत यदि हमने 6 को ऐड किया तो ऐड करने से अर्थमेटिक मीन में भी यदि आप 6 को ऐड कर देंगे तो आपका वो ही 21 होगा, लेकिन 6 को ऐड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, वेरिएंस हमारा पहले वाली वैल्यू सही है, लेकिन यदि हम 6 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं तो उस स्थिति में हमारा अर्थमेटिक मीन वो भी यदि हम 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 90 ही आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करने से वो ही फ़र्क पड़ा है, लेकिन हमारा वेरिएंस में ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो 6 से गुणा करने पे हमने ये देखा कि अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तीनों पे प्रभाव पड़ा, लेकिन जोड़ने से सिर्फ हमारा अर्थमेटिक मीन पे ही प्रभाव पड़ा है। मैंने इसमें 6 को ऐड किया है क्योंकि क्वेश्चन में 6 को ही था, आप इसके अलावा भी कोई भी फिगर ले लीजिए उससे भी यदि आप ऐड करके चलेंगे तो यही सेम रिजल्ट आपके आएंगे, या प्रॉब्लम दूसरी भी मानेंगे तो भी जो रिजल्ट्स में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा इसमें प्रभाव पड़ रहा है वैसा का वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू।